नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। हिंदू धर्म में सदियों से मृतक का अंतिम संस्कार करने की परंपरा है, परंतु भारत का एक ऐसा शहर भी है जहां पर हिंदुओं को कब्रिस्तान में पूर्ण रीति रिवाजों से दफनाया जाता है। आइए आज आपको इस शहर की जानकारी देते हैं। आखिर यह शहर भारत में कहाँ पर स्थित है? इस शहर की सबसे खास बात यह है कि इस कब्रिस्तान में हिंदुओं व मुसलमानों की कब्रों की एक समान देखभाल का जिम्मा एक मुसलमान परिवार करता आ रहा है। किस शहर में दफनाए जाते हैं हिंदुओं के पार्थिव शरीर? भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर एक ऐसा अनूठा शहर है जहां पर हिंदुओं का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। यहां पर हिंदुओं के पार्थिव शरीर को पूरे रीति रिवाज से कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। यह परंपरा वर्ष 1930 में शुरू हुई थी, या यूं कहें कि कानपुर में हिंदुओं का प्रथम कब्रिस्तान बना। उस समय शहर में हिंदुओं का केवल एक कब्रिस्तान था। अब इन कब्रिस्तानों की संख्या एक से बढ़कर सात हो गई है। इस कब्रिस्तान की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। यह कब्रिस्तान कानपुर के कोका कोला चौराहा रेलवे क्रॉसिंग के बगल में है। इस कब्रिस्तान को अच्युतानंद महाराज कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों बनाना पड़ा हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान? कहा जाता है कि फतेहपुर के सौरी गांव के रहने वाले स्वामी अच्युतानंद दलित वर्ग से संबंधित थे। एक बार साल 1930 में स्वामी जी एक दलित वर्ग के बच्चे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए। वहां पर अंतिम संस्कार के समय पंडे मृतक के परिवार से बड़ी दक्षिणा की मांग कर रहे थे। इस घटना को लेकर स्वामी अच्युतानंद की पंडों से बहस हो गई। इस पर पंडों ने उस बच्चे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पंडों की बदसलूकी से नाराज अच्युतानंद महाराज ने उस दलित बच्चे का अंतिम संस्कार खुद विधि विधान के साथ पूरा किया। उन्होंने बच्चे के पार्थिव शरीर को गंगा में प्रवाहित कर दिया। स्वामी अच्युतानंद के कदम यहीं नहीं ठहरे, उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों के लिए शहर में कब्रिस्तान बनाने की ठान ली। इसके लिए उन्हें जमीन की जरूरत थी। उन्होंने अपनी बात अंग्रेज अफसरों के सामने रखी। अंग्रेजों ने बिना किसी हिचक के कब्रगाह के लिए जमीन दे दी। तभी से इस कब्रिस्तान में हिंदुओं को दफनाने की परंपरा शुरू हो गई। 1932 में स्वामी अच्युतानंद जी की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस हिंदू कब्रिस्तान में दलितों के बच्चों को कब्रों में दफनाने की परंपरा शुरू हुई। परंतु अब यहाँ हिंदुओं की सभी जातियों के शव दफनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हर उम्र और जाति के शवों को दफनाया जाता है। कब्रिस्तान की देखभाल कर रहा एक मुस्लिम परिवार। 1930 में बनाए गए इस कब्रिस्तान की देखभाल पीर मोहम्मद शाह का परिवार कर रहा है। पीर मोहम्मद शाह के अनुसार जब वह 12 साल का था, तब से वह अपने पिताजी के साथ शवों को दफनाने का काम कर रहा है। कब्रिस्तान की सभी कब्रों की देखरेख का जिम्मा भी अब मेरे ऊपर ही है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं के शवों को ही नहीं बल्कि मुसलमानों के शवों को भी दफनाया जाता है। यहाँ पर हिंदुओं के शवों को दफनाने के समय पंडित नहीं आते हैं। अगर किसी कब्र की देखरेख के लिए कोई नहीं आता तो उस कब्र को खोदकर वहाँ पर नई कब्र बना दी जाती है। पहली मिट्टी को मृतक के परिजनों को दे दिया जाता है। पुरानी कब्र से निकली अस्थियों को कब्रिस्तान में ही एक गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। दफनाने के बाद डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए रसीद भी दी जाती है। यहाँ अंतिम संस्कार के समय कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता, केवल अगरबत्ती ही जलाई जाती है। यहाँ पर शव को दफनाने के कुल 500 रुपए लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसे शहर से जुड़ी जानकारी जहाँ हिंदुओं का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता बल्कि उन्हें दफनाया जाता है। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।